गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम तथ्य संकलन या आंकड़ों के संकलन के क्रम में जो प्रविधियां पढ़ रहे थे, उस उन प्रविधियों में मैंने आप लोगों को प्रश्नावली पढ़ा दी, अनुसूची पढ़ा दी, और आज हम बात करेंगे साक्षात्कार की। तो साक्षात्कार सामाजिक अनुसंधान में सूचनाओं के या आंकड़ों के संग्रहण हेतु विभिन्न तकनीकों का प्रयोग किया जाता है, और इसी श्रेणी में साक्षात्कार एक बहुत ही प्रभावपूर्ण प्रविधि है। साक्षात्कार की प्रक्रिया में शोधकर्ता अपने अनुसंधान क्षेत्र में जाता है और अपने अध्ययन विषय से संबंधित प्रश्नों का उत्तर पूछकर अपने अध्ययन में उसे शामिल करता है। साक्षात्कार में शोधकर्ता और उत्तरदाता दोनों आमने सामने होते हैं, और शोधकर्ता के द्वारा विभिन्न प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं और उत्तरदाता के द्वारा उनके उत्तर दिए जाते हैं। साक्षात्कार और अनुसूची में एक डिफरेंस होता है, और वो ये होता है कि साक्षात्कार लेते वक्त शोधकर्ता अपने मन से विभिन्न प्रकार के प्रश्नों के उत्तर पूछ सकता है, और फिर उसको वो अपनी भाषा में उनके द्वारा दिए गए उत्तरों को अपने शोध में शामिल करता है। लेकिन अनुसूची पहले से बनी हुई प्रश्नों की एक सूची होती है, जिसे शोधकर्ता शोध क्षेत्र में लेकर जाता है, और उस उत्तरदाताओं के द्वारा जो उत्तर दिए जाते हैं उनको उसी समय वो अपने अध्ययन में, मतलब उसी समय अपने अनुसूची में शामिल करता जाता है या लिखता जाता है। तो साक्षात्कार में अनुसंधानकर्ता उत्तरदाताओं के द्वारा दिए गए उत्तरों को अपने हिसाब से लिख सकता है, लेकिन अनुसूची में ऐसा प्रावधान नहीं होता है। अब हम बात करेंगे साक्षात्कार की परिभाषाओं की। तो गुडे एंड हेट ने अपनी पुस्तक मेथड्स इन सोशल रिसर्च में कहा है, साक्षात्कार मौलिक रूप से सामाजिक अंतःक्रिया की एक प्रक्रिया है। इसी प्रकार हैडर और लिंडमैन के अनुसार, जिन्होंने अपनी पुस्तक डायनामिक सोशल रिसर्च में लिखा है, साक्षात्कार दो व्यक्तियों या अनेक व्यक्तियों के बीच संवाद और प्रत्युत्तर है। जब ये प्रत्युत्तर कर्म विषयक अर्थ में मौखिक होते हैं, तब वे अन्य कई कारकों द्वारा निर्धारित होते हैं, जिनमें से कुछ कर्म विषयक होते हैं और कुछ वैषयिक होते हैं। पीवी यंग ने अपनी पुस्तक साइंटिफिक सोशल सर्वे एंड रिसर्च में कहा है, साक्षात्कार एक व्यवस्थित विधि मानी जा सकती है, जिसके द्वारा एक व्यक्ति या एक वैज्ञानिक दूसरे व्यक्ति के आंतरिक जीवन में अधिक या कम कल्पनात्मक रूप में प्रवेश करता है, जो उसके लिए सामान्यतया तुलनात्मक रूप से अपरिचित होता है। इसी प्रकार सिन पाओ यंग के अनुसार, जिन्होंने अपनी पुस्तक फैक्ट फाइंडिंग विद द रूरल पीपल में लिखा है, साक्षात्कार क्षेत्रीय कार्य की एक विधि है, जिसका प्रयोग व्यक्ति या व्यक्तियों के व्यवहार को देखने, कथनों को लिखने तथा सामाजिक या सामूहिक अंतःक्रिया के वास्तविक परिणामों का निरीक्षण करने के लिए किया जाता है। तो उपरोक्त परिभाषाओं के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि साक्षात्कार एक सामाजिक अंतःक्रिया की प्रक्रिया है, जिसमें साक्षात्कारकर्ता और सूचनादाताओं में परस्पर आमने सामने के संबंध स्थापित होते हैं। इस पद्धति में शोधकर्ता दूसरे अपरिचित व्यक्ति के जीवन में कल्पनात्मक रूप से प्रवेश करता है तथा मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया के लिए एवं सूचना एकत्र करने के लिए दूसरे से प्रश्नोत्तर करता है। तो साक्षात्कार ऐसी विधि है जिसमें अनुसंधानकर्ता स्वयं क्षेत्र में जाता है और क्षेत्र में जाकर अब वहाँ लोगों से मिलता है, और मिलने के बाद विभिन्न प्रकार के प्रश्न पूछता है और उन प्रश्नों को अपने अध्ययन में शामिल करता है। तो यह है सामाजिक शोध में डेटा कलेक्शन की एक इजी या साधारण प्रविधि, मतलब सिंपल प्रविधि मानी जाती है। अब हम साक्षात्कार के प्रकारों की बात करेंगे। तो पहला है इसमें निर्देशित साक्षात्कार। निर्देशित साक्षात्कार में शोधकर्ता अपने प्रश्न बिल्कुल फाइनली अपने घर से बनाकर लेकर जाता है। अपनी शोध समस्या से संबंधित प्रश्न होते हैं उसमें, मतलब उसे आसपास की और घटनाओं के बारे में जानकारी वो नहीं लेता है, वो सीधे अपनी शोध समस्या से संबंधित प्रश्नों के उत्तर उत्तरदाताओं से पूछता है।
दूसरा होता है अनिर्देशित साक्षात्कार, जिसमें कई बार शोधकर्ता जब शोध क्षेत्र में जाता है तो वो अपने हिसाब से भी प्रश्नों के और प्रश्नों का भी निर्माण कर सकता है और उसको लगता है कि वो उसके अध्ययन में काम दे सकते हैं या उपयोगी हो सकते हैं तो वो उन्हें अपने अध्ययन में सम्मिलित कर सकता है। केंद्रित साक्षात्कार का मतलब कि बिल्कुल सेंट्रलाइज होता है, जिसमें दूसरी किसी भी जो शोध समस्या है उस शोध समस्या से संबंधित प्रश्नों को शामिल किया जाता है, सारा का सारा फोकस शोध समस्या पर होता है, बाकी और समस्याओं के ऊपर शोधकर्ता का ध्यान नहीं जाता। पुनरावृत्ति साक्षात्कार, कई बार ऐसा होता है कि एक ही एक प्रकार के प्रश्न बहुत बार पूछे जाते हैं और एक ही प्रश्न को कई तरीकों से पूछा जाता है ताकि जो उत्तरदाता हैं वो उत्तरदाता जब उत्तर देंगे विभिन्न प्रश्नों के तो उनकी मतलब उनकी सत्यता की परीक्षा भी हो सकेगी। उसके बाद है गहन साक्षात्कार। गहन साक्षात्कार जो है उस गहन साक्षात्कार में मतलब बहुत डेप्थ में नॉलेज पूछी जाती है, कुछ प्रश्नों के उत्तर तो हाँ ना में दिए जाते हैं और कुछ में मतलब उत्तरदाता से कभी कोई घटना घटित हुई है, कोई प्रॉब्लम हुई है, उसके पीछे कौन कौन से कारण रहे हैं और जो भी उसके बारे में जवाब दे सकता है उससे गहनता से पूछताछ की जाती है और पूछताछ करके और विभिन्न प्रकार से अपने अध्ययन को उपयोगी और प्रभावी बनाने के लिए, ताकि जिस शोध समस्या के लिए अनुसंधानकर्ता के द्वारा शोधकर्ता के द्वारा शोध किया जा रहा है उससे संबंधित परिणामों को समाज के ऊपर लागू किया जा सके। अब हम बात करेंगे साक्षात्कार के लाभ की। तो साक्षात्कार जो है इसके लाभ की जब हम बात करेंगे तो सबसे पहले साक्षात्कार एक विश्वसनीय प्रणाली होती है जिसमें उत्तरदाता को यह नहीं लगता कि भाई हमारे कोई सीक्रेट्स आउट हो जाएंगे या हमारे द्वारा दिए गए उत्तरों को ये किसी और तरीके से प्रसारित करेंगे, तो ये बहुत ही विश्वसनीय प्रणाली है। नंबर टू, साक्षात्कार की प्रक्रिया शिक्षित एवं अशिक्षित दोनों प्रकार के उत्तरदाताओं के लिए लाभदायी होती है, तो उसमें यह भी दिक्कत नहीं होती कि उत्तरदाता पढ़ा लिखा है या नहीं है, क्योंकि उत्तर शोधकर्ता के द्वारा पूछे जाते हैं और उसी के द्वारा उत्तर लिखे भी जाते हैं। साक्षात्कार एक लचीली प्रणाली होती है, इसमें शोधकर्ता सूचनादाताओं के हिसाब से अपने प्रश्नों को सामान्य भाषा में समझा सकता है और साक्षात्कार के साथ साथ वो इसमें अवलोकन भी कर सकता है। यह एक सरल प्रणाली है जिससे सूचनादाता आसानी से अनुसंधानकर्ता के प्रश्नों का जवाब दे सकता है। अब हम बात करते हैं साक्षात्कार की सीमाओं की। तो साक्षात्कार की सीमाओं में मतलब इस पे कई सारे बैरियर्स होते हैं जिसकी वजह से ये कम उपयोगी मानी जाती हैं आलोचकों के अनुसार। तो यह एक अत्यधिक खर्चीली एवं समयसाध्य प्रक्रिया है। खर्चीली, इसमें पैसे बहुत लगते हैं क्योंकि जहाँ पर अनुसंधानकर्ता का क्षेत्र है अलग अलग क्षेत्रों में वो वहाँ जाएगा, बहुत ज़्यादा उसको टाइम देना पड़ेगा, समय बहुत लगेगा, एक एक उत्तरदाता से उसे पर्सनली बात करनी पड़ेगी और उससे पहले उसको समझाना पड़ेगा, एक भूमिका बनानी पड़ेगी कि मैं ये शोध कर रहा हूँ, इस शोध से संबंधित मुझे विभिन्न प्रकार के आंकड़ों का संकलन करना है। तो कई बार तो हो सकता है उत्तरदाता आसानी से शोधकर्ता के प्रश्नों का जवाब दे दे और कई बार ऐसा होता है कि वो ना दें, तो ये बहुत ही खर्चीली और समय साध्य प्रक्रिया है। साक्षात्कार बहुत लंबा नहीं होना चाहिए। कई बार जब साक्षात्कार बहुत लंबा होता है तो उत्तरदाता उत्तर नहीं देना चाहते, क्योंकि जब समय उनके पास में नहीं है समयाभाव के कारण, या फिर वो उत्तर देते हैं तो उल्टे सीधे उत्तर देते हैं जो शोधकर्ता के शोध में उसको लाभकारी नहीं रहेंगे। जो साक्षात्कार के द्वारा प्रश्न पूछे जाते हैं वो प्रश्न सरल, सटीक एवं स्पष्ट होने चाहिए ताकि आसानी से उत्तरदाता को समझ आ सके तो वो उन प्रश्नों का जवाब भी दे सके। कई बार उत्तरदाता सही जानकारी नहीं देते हैं, मतलब पता होते हुए भी नहीं देते हैं, उन्हें ये लगता है कि हमारे द्वारा अगर डेटास दिए जाएंगे तो हो सकता है उसका कहीं मिसयूज हो जाए, तो वो इंटरेस्ट भी नहीं लेते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में सबसे पहले शोधकर्ता जो है उसको क्षेत्र में जाकर लोगों को यह समझाना पड़ता है कि भाई ये एक सामाजिक शोध है और सामाजिक शोध में विभिन्न प्रकार के शोध का अध्ययन करने के लिए, विभिन्न समस्याओं का पता लगाने के लिए अध्ययन किया जा रहा है। तो कुछ उत्तरदाता तो उससे कन्विंस हो जाते हैं और कुछ नहीं होते। जब कुछ नहीं होते हैं तो उनके द्वारा जो उत्तर दिए जाते हैं वो भी वैल्यूएबल नहीं होते, मतलब शोध की समस्या से लिंक्ड नहीं होते, संबंधित नहीं होते। तो साक्षात्कार लेते समय जो शोधकर्ता है उस शोधकर्ता को विभिन्न
चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, और जो जो उत्तरदाताओं का लेवल है, जो स्तर है, उसके अनुसार ही अपने प्रश्नों के उत्तर उनसे पूछने चाहिए। अब हम बात करते हैं साक्षात्कार के चरणों की, कि साक्षात्कार किस प्रकार से पूरा होता है। साक्षात्कार की सबसे पहले तैयारी करता है शोधकर्ता, उसके लिए वो अपने शोध क्षेत्र का निश्चय करता है, सीमांकन करता है एक तरह से, कि मेरे को इस एरिया में पर्टिकुलर साक्षात्कार लेना है। दूसरी बात, साक्षात्कार में कौन कौन से प्रश्न पूछे जाने हैं, शोध और जो प्रश्न होते हैं वो शोध समस्या से संबंधित ही होने चाहिए। दूसरी बात होती है साक्षात्कार की प्रक्रिया। साक्षात्कार की प्रक्रिया में शोधकर्ता अपने शोध क्षेत्र में जाएगा, विभिन्न प्रकार से लोगों से बात करेगा, उनके साक्षात्कार लेगा, उनसे सूचनाओं का संग्रहण करेगा और सूचनाओं का संग्रहण करके उसको अपने पास में रखेगा। थर्ड स्टेप में जब हम जाते हैं तो साक्षात्कार का नियंत्रण, निर्देशन तथा प्रभावीकरण, मतलब जो शोधकर्ता है वो शोध क्षेत्र में अपना उस पर पूरा नियंत्रण होना चाहिए, शोध समस्या से संबंधित विभिन्न प्रश्नों को पूछा जाना चाहिए और उसको इफेक्टिव होना चाहिए ताकि वो उसके शोध में काम आ सके। जब साक्षात्कार ख़त्म हो जाता है, सारे लोगों से साक्षात्कार एक व्यक्ति शोधकर्ता ले चुका होता है, तो वो साक्षात्कार की समाप्ति के पश्चात जो विभिन्न प्रकार की सूचनाओं का संकलन किया है, उन सूचनाओं के संकलन की उसको रिपोर्ट लिखनी होती है, उसका प्रतिवेदन तैयार करना होता है और उस प्रतिवेदन को वो अपने शोध प्रपत्र में शामिल करेगा। और शामिल करने से पहले उसको ये देखना होगा कि उसको कैटेगराइजेशन करके, व्यवस्थीकरण करके, क्रमबद्धीकरण करके इस तरीके से प्रस्तुत करे जो शोध में आकर्षक और प्रभावी भी लगे। अब हम बात करते हैं साक्षात्कार निर्देशिका की। तो साक्षात्कार निर्देशिका अध्ययन के महत्वपूर्ण बिंदुओं की ओर ध्यान दिलाती है कि कुछ भी अध्ययन में जो महत्वपूर्ण है वो छूटना नहीं चाहिए। विभिन्न साक्षात्कारों में तुलनात्मक तथ्य एकत्र करने में मदद मिलती है, निर्मित उपकल्पनाओं की जांच करने अथवा एक ही प्रकार के आइटम से संबंधित विश्लेषणात्मक तथ्यों के संकलन में मदद मिलती है, जीवन इतिहास से संबंधित गुणात्मक अध्ययन विशिष्ट एवं ठोस जानकारी एकत्र करने में मदद करते हैं। साक्षात्कार निर्देशिका अध्ययन की समस्या व पहलुओं से संबंधित मुख्य प्रश्नों की एक सूची होती है, जिसके माध्यम से शोधकर्ता विभिन्न प्रकार के चरणों से गुजरते हुए अपने साक्षात्कार की प्रक्रिया को संपन्न करता है और साक्षात्कार की प्रक्रिया को संपन्न करके अपने शोध क्षेत्र से संबंधित विभिन्न सूचनाओं का आसानी से संकलन करता है। साक्षात्कार में कुछ कमियां हो सकती है, लेकिन फिर भी साक्षात्कार एक ऐसी प्रक्रिया है जो इजीली, आसानी से शोधकर्ता के द्वारा अपने शोध को आगे बढ़ाने के लिए प्रयुक्त की जा सकती है। इस प्रकार हम स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि साक्षात्कार की सफलता के लिए साक्षात्कारकर्ता कुशल, वाक्पटु, ईमानदार, निष्पक्ष, विनयी तथा वैज्ञानिक निष्ठावान होना चाहिए। साक्षात्कार अमूर्त एवं अदृश्य घटनाओं, ऐतिहासिक परिस्थितियों तथा मनोवैज्ञानिक प्रभावों का अध्ययन करने की उपयोगी प्रविधि है। साक्षात्कार की सफलता अच्छे सूचनादाता पर निर्भर रहती है। यह प्रविधि समय और धन की दृष्टि से खर्चीली है, लेकिन फिर भी सामाजिक अनुसंधान में साक्षात्कार सूचना संग्रहण की एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रविधि है, जिसके माध्यम से विभिन्न सूचनाओं का संकलन किया जा सकता है, संग्रहण किया जा सकता है। धन्यवाद।